फ्लड्स कभी भी कहीं भी आते हैं। अभी पाकिस्तान की कंडीशन फ्लड्स की वजह से बहुत खराब है। एक्चुअली पाकिस्तान पर प्रॉब्लम्स का फ्लड पहले से ही आया हुआ था। अप्रैल में पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद दुनिया की किसी भी पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री को पाकिस्तान की गवर्नमेंट और लीडर्स पे भरोसा ही नहीं था। इनफैक्ट वहाँ की आवाम भी वहाँ की गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती। और पाकिस्तान को पिछले 4 महीने से यही डर सता रहा है कि कभी भी वहाँ श्रीलंका जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच ही नेचर ने भी पाकिस्तान के लोगों के साथ धोखा कर दिया। वहाँ इन दिनों देश भयंकर फ्लड से लड़ रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि चाहे वहाँ की आर्मी हो, पुलिस हो या गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट पाकिस्तान के पास इन सब नेचुरल डिजास्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं बचा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कल नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर दी। इसके साथ ही अब वो घुटनों पर बैठकर बाहर के देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प की डिमांड कर रहे हैं। एक्चुअली पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और वो भी 22,150 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज की डिमांड कर रहे हैं। कमाल की बात है कि इन्हें पहले से पता चल गया है कि इन्हें एक्चुअली में कितना पैसा चाहिए। वैसे सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिस्टरबेंस से पाकिस्तान के लोगों को ही दिक्कत हो रही है। मे गॉड पाकिस्तान के लोगों की सब हेल्प करें और वो इस मुसीबत से जल्द बाहर आ जाएं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर दूसरी कंट्रीज, सब इन्हें रिलीफ के नाम पे पैसे देकर हेल्प कर दें। लेकिन पाकिस्तान की बहुत ही करप्ट और अनसक्सेसफुल गवर्नमेंट के लोगों के हाथ में कोई अपना पैसा देना ही नहीं चाहता। बारिश की वजह से वहाँ नदियाँ फ्लडेड हो गई हैं, जिस वजह से हर जगह बुरा हाल है। तकरीबन 1,000 लोगों की फ्लड्स की वजह से डेथ हो चुकी है, जिसमें 350 बच्चे हैं, और तकरीबन 30 लाख से 35 लाख लोग अपने घरों से बाहर रहने पर मजबूर है। पाकिस्तान में 6,80,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। इंडिया के गुजरात पाकिस्तान के साथ सटा हुआ सिंध प्रोविंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, और 35% से ज्यादा लोग यहीं से हैं जो अपने घरों को बर्बाद होते देख चुके हैं। कुछ ऐसे ही वीडियोस हम रोज लेकर आते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आई एम दिनेश बजाज एंड यू आर वॉचिंग द टॉप रूपी।